नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम जानकारी देने वाले हैं कि परवल की खेती आपको कैसे करनी है, क्योंकि अभी बारिश के सीजन में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी डिमांड ठंडियों तक रहती है। जब शादी ब्याह का सीजन भी आता है तब पर भी बहुत अच्छे प्राइस में आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। तो अभी के समय में जो भी किसान भाई खेती करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट प्राइस आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि परवल खेती के लिए कैसा मौसम चाहिए रहेगा, कौन कौन सी बेस्ट की वैरायटी जिन्हें आप चयन कर सकते हैं, कैसी मिट्टी कैसी जलवायु चाहिए रहेगी, परवल की बुआई की सबसे बेहतरीन विधि कौन सी होती है, सबसे बेहतरीन समय कौन सा है इसे रोपाई के लिए। तो इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और जो भी किसान भाई ऐसे ही महत्वपूर्ण कृषि संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाले बटन पर क्लिक करके, और बाजू वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बेहतरीन मौसम के बारे में बता देता हूँ, कौन सा मौसम इसके लिए सुटेबल माना जाता है। तो इसकी खेती किसान भाई इंडिया में वर्ष भर की जाती है। जो भी किसान भाई मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी भागों में, उनके लिए सबसे जो बेहतरीन समय रहता है जुलाई के मध्य से लेकर अक्टूबर तक के महीनों में आप इसकी कभी भी खेती कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेहतरीन जलवायु और मिट्टी के बारे में बात करें तो इसकी अच्छी खेती निकालने के लिए आपके यहाँ की जो जलवायु है थोड़ी सी गर्म और आर्द्र जलवायु है, तो आप अच्छी खासी पैदावार निकाल सकते हैं। और इसके बीजों के अंकुरण के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और परवल की खेती आप किसी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का चयन करिए, वहाँ पे आप अच्छी खासी खेती निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको किसान भाइयों इसकी बेस्ट की वैरायटी कौन सी है उसके नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आप काशी अलंकार का चयन कर सकते हैं, उसके बाद आप स्वर्ण अलौकिक या फिर आप राजेंद्र परवल 1 का भी चयन कर सकते हैं, या फिर आप काशी सुफल नाम की जो वैरायटी है इसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो ये कुछ चार वैरायटी मैंने आपको बता दी जो कि ICR के द्वारा रिकमेंडेड है, इसमें से आप कोई भी चयन कर सकते हैं अपने क्लाइमेट के अनुसार। तो सबसे पहला, जो भी किसान भाई बीजों के द्वारा नर्सरी लगाना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार कर से आप ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग ला के मार्केट से आप इसकी प्लांटेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप कटिंग लाने जा रहे हैं तो आपको लगभग 1000 से लेकर 1500 तक की कटिंग लग जाएगी एक एकड़ खेती के लिए। तो ये जो क्रॉप होती है लगभग 90 दिनों में हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। जब ये फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो आप इसमें हर हफ्ता इसमें से हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। जो भी किसान भाई इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो आप एक एकड़ में लगभग 80 से 100 क्विंटल खेती आसानी से निकाल पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा परवल की बुआई के लिए कौन कौन सी विधि होती है, कैसे आप इसकी बुआई कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी रोपाई के लिए बहुत सारे किसान भाई अलग अलग विधि अपनाते हैं। तो अगर आप इसकी नर्सरी खुद से तैयार करना चाहेंगे तो बीज लाके आप इसकी नर्सरी तैयार करके उसके बाद सही डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप मचान विधि से करना चाहते हैं तो आपको थोड़े बहुत और खर्चे लगाने पड़ेंगे, या फिर इसके जगह पर बहुत सारे किसान भाई जो है इसकी लताओं के द्वारा इसकी प्लांटेशन करते हैं। तो परवल की बुआई के ये कुछ विधि हैं जो कि किसान भाई अधिकतम अपनाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रुपाई के समय पे आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो इसकी रुपाई के लिए किसान भाई जो भी आप कटिंग्स लाने जा रहे हैं, जो भी लताएं खरीदने जा रहे हैं मार्केट से, वो कटिंग लगभग 100 से 120 दिन पुरानी होनी चाहिए। परवल लगाते समय एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, आपको मादा और नर की जो अनुपात है, लगभग 10 प्लांट आप मादा लगा रहे हैं तो अब एक प्लांट जरूर से नर का लगाएं, क्योंकि ये क्रॉप जो होती है सेल्फ पॉलिनेशन वाली नहीं होती है, क्रॉस पॉलिनेशन की होती है। तो उसमें नर और मादा का कॉम्बिनेशन आप ये रख सकते हैं। और जिस भी खेत में हम इसकी रोपाई करने जा रहे हैं तो आप जो भी कतार बनाएं, लगभग कतार से कतार के बीच की दूरी 2.5 मीटर ले सकते हैं, और अलग अलग प्लांट के बीच की दूरी आप 1.5 मीटर जरूर से रख लें। और इसकी प्लांटिंग के लिए जो भी आप थाले बना रहे हैं लगभग आप जमीन से 6 से 8 सेंटीमीटर ऊंचे पे ही बनाएं। परवल की खेती के समय आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो भी आप लताएं लेके आ रहे हैं, कटिंग्स लेके आ रहे हैं इसकी, उस कटिंग की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसको ला के 10 सेंटीमीटर गहरे थालों में अच्छी तरीके से लगा देना और मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक देना है, और ऊपर से दोनों सिरों को इसको खुला ही छोड़ देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि परवल खेती करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप कटिंग के माध्यम से खेती करने जा रहे हैं तो आपको जैसा मैंने आपको बताया 1000 से 1500 तक के आपको कटिंग्स लग जाएंगे, और उचित दूरी बना के आप एक एकड़ में खेती कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों परवल की खेती के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा इसके वैरायटी के बारे में बता दिए, कैसी जलवायु चाहिए रहेगी और क्या विधि होती है इसके लगाने के लिए।
तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।